हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि हमें इस क्वेश्चन में जो एंगल्स दिए गए हैं, हमें इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें 20 डिग्री एंगल दिया गया है और हमें 20 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बी एक्स, यानी 20 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखिए, 20 डिग्री और x ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर हमने लिखा 20 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को यहाँ पर हम एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 90 डिग्री भी यहाँ पर एज इट इज है। अब ये जो 20 डिग्री यहाँ पर है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अब ये x यहाँ पर एज इट इज आ गया है, इज इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर एज इट इज आएगा, 90 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 70 डिग्री। और x हमने किसको लेट किया था स्टूडेंट्स, x हमने 20 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट को लेट किया था। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 70 डिग्री। और अगर आप 20 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड करते हैं तो देखिए इन दोनों का सम क्या आता है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एंगल दिया गया है 63 डिग्री। अब हमें 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री बी एक्स, यानी कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमने एक्स लेट कर लिया है। अब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक्स यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन एज इट इज आएगा, 90 डिग्री को भी यहाँ पर हम एज इट इज रखेंगे, ये 63 डिग्री हम इस साइड में ले आएंगे और यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 90 में से अगर आप 63 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको मिलेगा 27। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स इज इक्वल टू आ गया है 27 डिग्री। तो अब हम लिख सकते हैं, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री, यानी कि 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 27 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें 57 डिग्री दिया गया स्टूडेंट्स, यानी कि हमें 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री बी एक्स, यानी 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमने एक्स लेट कर लिया है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 57 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एक्स यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 90 डिग्री को भी यहाँ पर हम एज इट इज रखेंगे और ये जो 57 डिग्री है इसको हम राइट साइड में ले आएंगे और यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो यहाँ आकर ये 57 डिग्री नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स यहाँ पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, 90 में से जब आप 57 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 33। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, एक्स इज इक्वल टू 33 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हैंस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज 33 डिग्री, यानी कि 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 33 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।